पिछले वीडियो में आपने समझा है कि यदि जिंक और कॉपर से लेकर के गैल्वेनिक सेल बनाया जाए तो जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड बनता है। अब जब रिएक्शन समझा गया था तो जिंक का क्या हुआ था एनोड पर, एट एनोड एनोड पर क्या हुआ था कि जिंक का क्षार जो ठोस अवस्था में था, एस मतलब सॉलिड ठोस, ये बदल रहा था जिंक आयन में। याद कीजिए कि जिंक का क्षार पानी में चला जा रहा था घुल करके, मतलब एक पोस्ट फॉर्म में चला गया, और जिंक जब जिंक आयन में बदला तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता था। इलेक्ट्रॉन जब लॉस किया तो ये क्रिया क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, अर्थात एनोड पर जिंक का क्षार जिंक आयन में बदला, जबकि ये क्रिया क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, जबकि कैथोड पर क्या था कि कॉपर का जो विलयन था, कॉपर सल्फेट का, उसका जो कॉपर आयन था जो पानी में था, वो कॉपर आयन बदल रहा था कॉपर में, कॉपर के क्षार में। और ऐसा तब होगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो जिंक त्यागा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो रिडक्शन। कुल मिला के एनोड पर जिंक बदलता था जिंक आयन में और कैथोड पर कॉपर आयन बदलता था कॉपर में। यहाँ तक समझ में पहले आ गया होगा, या नहीं समझ में आया होगा तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। मतलब जिंक बदलता है जिंक आयन में कैथोड पर, और कैथोड नहीं एनोड पर, और कैथोड पर कॉपर आयन बदलता है कॉपर में। अब जब कहेगा कि इसको सेल में बदलिए तो जिंक किस में बदलता है, जिंक आयन में, तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, इधर एनोड मतलब ये सेल हुआ, ये सेल रिएक्शन था। अब ये कहेगा सिर्फ सेल बनाइए, तो एनोड जिस पर माइनस चार्ज होता है, एनोड पर क्या रिएक्शन था, जिंक जो ठोस अवस्था में था वो बदलता था किस में, जिंक आयन में, और कहाँ चला जाता था, पानी में, एक्वस में, मतलब एनोड पर जिंक का क्षार जिंक आयन में चला जाता है। तो सेल के रूप में इसको लिखने का तरीका है कि जिंक ठोस अवस्था लिखना है, एक वर्टिकल लाइन देना है, और उसके बाद लिखना है जिंक आयन AQ। इसका मतलब हुआ कि जिंक अपना दो इलेक्ट्रॉन त्याग के जिंक आयन में बदला, कहाँ, एनोड पर। एनोड पर कौन चार्ज होता है, माइनस, जबकि कैथोड पर क्या हो रहा है, याद कीजिए कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर था रिएक्शन, याद कीजिए कैथोड पर क्या है कि कॉपर आयन बदल रहा है कॉपर में, तो इसको लिखा जाएगा कैथोड पर एट कैथोड जिस पर प्लस चार्ज है, कॉपर आयन जो पानी में है वो बदलता है किस में, कॉपर में, और किस अवस्था में चला जाता है, ठोस अवस्था में। जब आपको सेल याद होगा तो दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक ब्रिज था, इसका नाम क्या था, साल्ट ब्रिज। तो बीच में डबल वर्टिकल लाइन दे देंगे, इसका मतलब होता है साल्ट ब्रिज। तो ये जो पूरा हुआ ये कहलाएगा सेल, ये था सेल रिएक्शन और ये हुआ सेल। इसमें बाएं तरफ क्या लिखना है, बाएं तरफ लिखना है एनोड जिस पर माइनस चार्ज है, और इसमें जिंक बदल रहा है जिंक आयन में, जिंक ठोस में था, जिंक आयन पानी में चला गया, जबकि डबल वर्टिकल लाइन का मतलब होता है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज दे करके कॉपर आयन एक्वस कॉपर, इसका मतलब है कि कैथोड पर जिस पर प्लस चार्ज होता है कॉपर आयन बदल रहा है कॉपर में, मतलब कॉपर आयन जो पानी में था वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण इसलिए किया कि प्लस चार्ज घट गया, मतलब ग्रहण किया, कॉपर में चला गया। तो कुल मिला के ये सेल क्या बताता है कि एनोड पर जिंक बदल रहा है जिंक आयन में, जबकि कैथोड पर कॉपर आयन बदल रहा है कॉपर में, और दोनों सॉल्यूशन जो है क्वांटिटी के द्वारा अलग है, साल्ट ब्रिज। तो डबल वर्टिकल लाइन क्या बताता है, साल्ट ब्रिज के बारे में। तो ये आपका पूरा सेल हुआ, आज आपका पूरा गैल्वेनिक सेल कम्प्लीट हो गया। अब पीछे का पूरा वीडियो देख के आप लोग रखिए, कल कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पूरे गैल्वेनिक सेल को रिवाइज कर दिया जाएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा तो बार बार देखिए, दूसरी बार की यदि सारा वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो अपलोड पे
दबाना है बटन, अपलोड पे दबाने के बाद पिछला सारा वीडियो चला आएगा। तो बार बार देखिए और देख करके रिवाइज कर लिए, और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पीछे का सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा।